तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर धारापुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और डीएमके पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ एनडीए के पास विकास का एजेंडा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस और डीएमके के पास वंशवाद का एजेंडा है। इससे पहले उन्होंने कहा कि अब से कुछ दिनों में तमिलनाडु नई विधानसभा के लिए मतदान करेगा। एनडीए परिवार राज्य के लोगों की सेवा करने के लिए आपका आशीर्वाद चाहता है। हम एमजीआर और अम्मा जयललिता जी के आदर्शों से प्रेरित स्वर्णागीन विकास के ठोस एजेंडे के आधार पर आपके वोट चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत को तमिलनाडु की संस्कृति पर बहुत गर्व है। मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का पल तब था जब मुझे दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल में संयुक्त राष्ट्र में कुछ शब्द कहने का मौका मिला। बता दें कि मंच पर उनके साथ मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी भी मौजूद थे। इससे पहले उन्होंने केरल में जनसभा को संबोधित किया और शाम को पुडुचेरी में रैली संबोधित करेंगे। तीनों राज्यों में एक साथ 6 अप्रैल को चुनाव होने हैं, नतीजे 2 मई को आएंगे। न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए। नाम दुर्गा देवी, पति भोला चौहान, उम्र 32 वर्ष, रंग सांवला, कद 5 फीट, पता रघुनाथपुर पोस्ट जमालपुर ठंड जिला मिर्जापुर। दुर्गा देवी 22 मार्च 2021 की सुबह 5 बजे से घर से लापता है। इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। जिसे भी यह महिला दिखाई दे या इनका पता चले तो सूचित करें। संपर्क करें 8172974814 पर।